प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि 12th हिंदी ग्रामर में टॉपिक है आपका संधि। टॉपिक का नाम है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा लिखी है आप, दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे रमा रमाई, यहां देखेंगे रम आ और ई और श, यहां पर ये आ और ई दो वर्ण हैं और इनमें दो वर्णों के मेल से मिलने से क्या परिवर्तन आया? आ और ई मिलकर के ए हो गया। अब इसको आप मिलाएंगे रम, ये स्थिति हो गई, और इसको मिलाने से यह बन जाएगा आपका रमेश। तो इस प्रकार से दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा रमा ईश बराबर, आपने इनको अलग अलग खोल कर और समझा कि इस तरीके से ही बन गया रमेश। नेक्स्ट हम चलते हैं संधि के प्रकार, संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। नंबर वन, संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर वन आप देखेंगे स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वर संधि क्या है? हम लेके चल रहे हैं टॉपिक को, टॉपिक पर कि स्वर संधि क्या है। अब इसकी परिभाषा समझेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। यहां पर स्वर संधि की परिभाषा, अभी तक आपने पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के, दो वर्णों के बीच से, वर्ण स्वर भी है व्यंजन भी है, लेकिन स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। जहां दो स्वरों के मेल से जो विकार परिभाषा लिखेंगे, जहां दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, वही उदाहरण कोई और ले लीजिए, नर जमा इंद्र, यहां पर नर अ स्वर है, ई स्वर है, और इसमें अ और ई मिलकर के ये होगा, तो ये भी नर इंद्र बन जाएगा। विद्या जमा आलय, यहां पर विद्या में आ और ई, आलय में आ, यहां पर आ और आ मिलकर के दीर्घ हुआ आ, तो ये भी स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधियां पांच प्रकार की होती हैं।
आप इसमें आज सब स्वर संधि के टॉपिक को समझेंगे। स्वर संधि जो है पांच प्रकार की होती है, स्वर संधि के भेद। नंबर वन दीर्घ स्वर संधि, नंबर टू वृद्धि स्वर संधि, नंबर थ्री गुण स्वर संधि, नंबर फोर इयर स्वर संधि, और नंबर फाइव अयादि स्वर संधि। अब इनमें एक एक का की परिभाषा आप अलग अलग देंगे। जैसे आपको कहा गया कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, जैसे इसमें है समान स्वर्ण स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहेंगे, समान स्वर्ण स्वरों के मेल स्वर संधि होगी। जैसे उदाहरण दिया था नर नमा इंद्र को नर सॉरी विद्या नमा आले तो विद्या, यानी मुनि जमा ईश मुनीष, विद्या जमा आलय विद्यालय, इस प्रकार से मित्रता रहेगा। वृद्धि में वृद्धि की परिभाषा है कि अवर्ण के पश्चात अ या अवर्ण के पश्चात ए आई ओ औ यदि आए तो आपको क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है आई और ओ, एक वृद्धि रूप। जैसे वन नमा ओषद यह हो जाएगा वन ओषद, ऐसे ही आपकी गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में अ या आ के पश्चात यदि ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उन्हें क्या हो जाता है ए ओ और आदेश हो जाता है। जैसे नर नमा इंद्र नरेन, आप पीडीएफ में देखेंगे तो आप उनकी परिभाषा लिख लेंगे जो दिया जाएगा। ऐसे ही है इयर में, इयर में ले लीजिएगा यदि पदांत में, यदि पदांत में हृष्या दीर्घ ई आए और उसके पश्चात या उसके आगे कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर हो तो ई को या उ को व और रि को र आदेश होता है। जैसे प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक, मधु जमा अ
अरि बराबर मध्वरि आदि। इसी प्रकार से संधि और है आपकी स्वर संधियों में अयादि। अयादि स्वर संधि क्या है? अयादि में यदि पूर्व पद के अंत में पद के अंत में ए ओ ऐ औ चार वर्ण आते हैं और उसके आगे कोई भी वर्ण हो उसके पश्चात कोई भी वर्ण हो तो ए को ऐ ओ को अव ऐ को आय औ को आ आदि हो जाते हैं। जैसे ने जमा अन बराबर नयन, ने जमा आयक नायक। तो ये आपका संधियों के चैप्टर में था स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। नेक्स्ट आपके लिए आगे जो होमवर्क दिया जाएगा तो उसमें जैसे व्यंजन संधि उसका चैप्टर दिया जाएगा तो आप उसको यहीं तक अपने कॉपी पर उतारें, कॉपी पीडीएफ से सुनो।